subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update. बुंदेलखंड अगर किसी चीज के लिए सबसे ज्यादा हेडलाइन में रहता है तो वो है अपने सुख के लिए। पलायन और भुखमरी जैसी तस्वीरें बुंदेलखंड में आम हैं। लेकिन आज जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक से सूखा ग्रस्त बुंदेलखंड की किस्मत बदलने वाली है और सूखे से प्रभावित लोगों के लिए ये योजना किसी वरदान से कम साबित नहीं होगी। बुंदेलखंड को सूखे से छुटकारा दिलाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने केन बेतवा नदी को जोड़ने के लिए एक MOU साइन किया है। तो चलिए इस मुद्दे को समझने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो में बताएंगे कि केन और बेतवा नदी को लिंक करने से किसको कितना फायदा होगा और किसको कितना नुकसान और किसका समाधान होगा। जय राम दोस्तों, मेरा नाम गंगा प्रसाद। हमारी कोशिश होती है कि आप तक हर वो जानकारी पहुंचाई जाए जो आपसे जुड़ी है। अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि आपके साथ दूसरे दोस्तों तक भी ये वीडियो पहुंच सके। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट यानी कि KBLP का राष्ट्रीय जल विकास प्राधिकरण ने खाका तैयार किया है। ये परियोजना कुल 221 किलोमीटर लंबी है जिसमें केन से पानी निकालने के लिए एक 2 किलोमीटर लंबी वाटर टनल बनाई जाएगी जिसके अंदर से पानी को निकाला जाएगा। केन और बेतवा नदी को आपस में इंटरलिंक करने के लिए 176 किलोमीटर लंबी कैनाल बनाई जाएगी जिसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के बीच MOU साइन किया गया है। इस प्रोजेक्ट को नेशनल प्रोजेक्ट घोषित किया गया है जिसको बनाने में करीब 44,605 करोड़ रुपए तक का खर्च आएगा। मतलब 90% खर्च सेंट्रल गवर्नमेंट उठाएगी और 10% खर्च यूपी और MP गवर्नमेंट मिलकर उठाएंगी। यानी कि करीब 39,317 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, यूपी और MP मिलकर 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा स्पेंड करेंगे। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट को 8 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इन दो नदियों को जब जोड़ा जाएगा तो इससे मध्य प्रदेश के टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सागर, दमोह और दतिया जिले को भरपूर पानी मिलेगा जबकि यूपी के बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर जिलों को फायदा मिलेगा। यानी कि बुंदेलखंड के 10 जिलों में सूखे की समस्या खत्म हो जाएगी। केन और बेतवा नदी को जोड़ने से बुंदेलखंड के सूखे का समाधान होगा। लेकिन इसको कहां से किधर ले जाया जाएगा इसको हम मैप के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। ये बुंदेलखंड के कुछ डिस्ट्रिक्ट का मैप है जिसके एक तरफ केन नदी तो दूसरी तरफ बेतवा नदी है। दोनों नदियों को जोड़ने के लिए क्या किया जाएगा? दरअसल गवर्नमेंट की योजना है कि पन्ना के पास से गुजरने वाली केन नदी में पानी का फ्लो अच्छा है, इसी नदी से बेतवा नदी में पानी ले जाया जाएगा। इसके लिए करीब 221 किलोमीटर लंबी नहर बनाई जाएगी जिसमें 2 किलोमीटर लंबी वाटर टनल होगी और 176 किलोमीटर लंबी कैनाल बनाई जाएगी जिसकी मदद से पानी को केन नदी से निकालकर बेतवा नदी तक ले जाया जाएगा। वैसे तो बुंदेलखंड में चंबल, सिंध, बेतवा और केन नदियां मेन हैं, लेकिन ये सभी यमुना नदी के एडजॉइनिंग नदियां हैं जिसको आप प्रयागराज के संगम तट पर देखते हैं। तो इसी नदी का बुंदेलखंड से भी नाता है। यानी कि जो लोग बुंदेलखंड से जुड़े हैं वो जानते हैं कि बांदा के बबेरू तहसील और फतेहपुर जिले को जोड़ने वाले रास्ते के बीच में यमुना नदी पड़ती है। वैसे बुंदेलखंड में सूखे की समस्या पुरानी है। 80 के दशक से इस समस्या को सुलझाने के लिए सरकारों ने चर्चा शुरू की लेकिन इसको मंजूरी मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के करीब 3 साल पूरे होने के बाद मिली। इस परियोजना को जब भी आप देखेंगे तो इस पर प्लानिंग की तस्वीरें 1999 से 2004 के बीच अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान देखने को मिली और उसके बाद 2005 से 2008 के बीच कांग्रेस सरकार ने इस प्रोजेक्ट को लाने के लिए फाइल वगैरह तैयार कराई लेकिन आगे इस पर काम नहीं बढ़ पाया। अब जाकर 10 दिसंबर 2021 को मोदी सरकार ने केन बेतवा रिवर इंटरलिंक परियोजना को
पूरा करने के लिए यूपी और एमपी के साथ एमओयू साइन किया है, जिसको पूरा करने के लिए 8 साल का लक्ष्य रखा गया है। जिस पर योजना को केंद्र की मोदी सरकार ने अब जाकर धरातल पर उतारने के लिए मंजूरी दी है। दरअसल उस प्रोजेक्ट के लिए 2007 में मनमोहन सरकार के दौरान एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने मंजूरी दे दी थी। वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने नदियों को इंटरलिंक करने के लिए नीरा नाम का एक संगठन बनाया है, जिसका पूरा नाम नेशनल इंटरलिंकिंग रिवर अथॉरिटी है, जो जल शक्ति मंत्रालय के अधीन आता है। इसके अंदर स्पेशल पर्पज व्हीकल नाम की एक और बॉडी बनाई गई है और इस बॉडी के अंदर केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट अथॉरिटी को बनाया गया है। इसकी मॉनिटरिंग करने के लिए विभागीय सचिव की अध्यक्षता में स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई है, जो केन और बेतवा नदी को इंटरलिंक करके धरातल पर लाने की योजना की समय समय पर समीक्षा करती रहेगी। इस परियोजना के पूरा होने से किसको कितना फायदा होगा? दरअसल केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट से 103 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाएगी, हाइड्रो पावर का उत्पादन किया जाएगा और 27 मेगावाट सोलर एनर्जी को जनरेट करने के लिए सोलर प्लेट लगाई जाएगी। इस परियोजना से 62 लाख लोगों को पेयजल की सुविधा मिलेगी। यूपी और एमपी के सूखा ग्रस्त इलाकों में 10.62 लाख हेक्टेयर जमीन की सिंचाई होगी। इसके साथ ही यूपी में 2 नए वायरस से 1.26 लाख हेक्टेयर जमीन की सिंचाई होगी। इस परियोजना की मदद से बुंदेलखंड के सूखा ग्रस्त इलाकों में सामाजिक और आर्थिक तरक्की दोनों देखने को मिलेगी। सूखे की समस्या से होने वाले पलायन को रोकने में भी मदद मिलेगी। लेकिन जब किसी परियोजना को सरकार लाती है तो इससे लाभ के साथ कुछ नुकसान भी होते हैं। ऐसा ही केन बेतवा नदी को लिंक करने पर होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में पन्ना टाइगर रिजर्व है, जिसका 10% हिस्सा केन बेतवा लिंक परियोजना की चपेट में आकर डूब जाएगा। पन्ना टाइगर रिजर्व की करीब 4,141 हेक्टेयर जमीन अफेक्ट होगी। इस टाइगर रिजर्व में करीब 30 टाइगर, तेंदुए, भालू, घड़ियाल समेत कई तरह के जंगली जानवर रहते हैं, जो सबसे ज्यादा अफेक्ट होंगे, क्योंकि इन दो नदियों को जोड़ने के लिए डैम बनाया जाएगा, जहां पानी को जमा किया जाएगा, जिसकी चपेट में पन्ना का टाइगर रिजर्व भी आएगा। इस परियोजना के चलते करीब 9,000 हेक्टेयर जमीन पानी में डूब जाएगी। इसके साथ ही करीब 1,600 से ज्यादा परिवार विस्थापित किए जाएंगे, तब जाकर इस परियोजना को ग्राउंड पर लाया जा सकेगा। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के दौधन गांव में एक बांध बनेगा, कौथा गांव में एक पंप हाउस और बैराज होगा और नदी के किनारे बसे दिदौनी गांव में एक बांध बनेगा और बिना कॉम्प्लेक्स के 4 स्टोरेज डैम होंगे, जहां पानी को जमा किया जाएगा। ऐसे ही यूपी के बरियापुर के पास 2 नए बैराज बनाए जाएंगे। वैसे दो स्टेट्स के बीच पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जो दो नदियों को आपस में लिंक किया जा रहा है, जबकि इससे पहले केरल में 1895 में पेरियार नदी से वैगई नदी तक पानी लाया गया था। यानी कि भारत में पहले भी एक नदी से दूसरी नदी को जोड़ने का काम हो चुका है। तो मानकर चलिए केन और बेतवा नदी को आपस में लिंक करने से बेशक बहुत से लोगों को फायदा होगा, लेकिन आपको इस परियोजना से कितनी मदद मिलेगी, ये आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी बात लिख सकते हैं, क्योंकि ये बुंदेलखंड में दो स्टेट के बीच का मसला है। ऐसे में इस परियोजना से दो स्टेट्स के लोग इफेक्ट होंगे। इस बात को जमीन से जुड़े लोग आसानी से समझ सकते हैं और इससे जुड़ी और जानकारी भी दे सकते हैं, जिसको लोगों तक पहुंचाने के लिए हम आपके कमेंट को पिन कर देंगे, ताकि उसको और लोग भी पढ़ सकें। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के जरिए मिली जानकारी पसंद आई होगी। आपसे एक निवेदन है कि इस वीडियो को शेयर करने, चैनल को सब्सक्राइब करने और कमेंट कर अपनी राय देने की कोशिश जरूर करें। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो आप हमारे Facebook पेज को लाइक करें, और अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी मदद करें। नमस्कार।